मंत्रपाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योगाभ्यासी आदि मनुष्यों को अपने कार्यों में सफलता के लिए, अपने लक्ष्यों की सिद्धि के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, वो अथर्ववेद के एक मंत्र में दिया है। संस्कार विधि के गृहस्थ आश्रम प्रकरण में ये मंत्र है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय में भी इस मंत्र का व्याख्यान किया गया है। मंत्र है ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च वाक् च इंद्रियम च श्रीश्च धर्मश्च। और इस मंत्र का अर्थ जो महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में किया है उसके अनुसार, ओज का साधन तेज है, तेज का साधन सह है, सह का साधन बल है, और बल का साधन वाक इंद्रिय श्री और धर्म है। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो विद्या को प्राप्त कर रहा है अथवा योग को सिद्ध करने में लगा हुआ है अथवा धर्म को सिद्ध करने में लगा हुआ है अथवा अच्छे गुणों को धारण करने में लगा हुआ है अथवा दुर्गुणों को छोड़ने में लगा हुआ है, उसको अपने कार्य में सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मंत्र में बताया है। उन मनुष्यों के पास जिनके सामने कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ये पराक्रम है। जिस मनुष्य के अंदर पराक्रम नहीं है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, छोटे से छोटे लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति क्रोधी है, उसने क्रोध को जीत लिया तो उसने ये पराक्रम गुण है उसके पास। एक व्यक्ति लोभी है, लोभ को उसने जीत लिया, हर समय संयम से भोजन आदि करता है तो ये उसने पराक्रम दिखाया, उसके अंदर ये पराक्रम गुण है। इसी प्रकार से किसी ने बोलने की शैली सीख ली, कैसे बोलते हैं, धैर्य धारण करना सीख लिया, पुरुषार्थी बन गया, तो ये गुणों को धारण कर लेना ये भी क्या है, पराक्रम है। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पराक्रम होना आवश्यक है। पराक्रम नहीं होगा वो किसी भी कार्य को छेड़ेगा उसमें सफल नहीं होगा, बीच में छोड़ देगा, हताश निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो मंत्र में कहा ओजह, हे मनुष्यों तुम ओज से पराक्रम से युक्त हो। बाहर के शत्रुओं को जीत लेना भी पराक्रम है। एक राजा 10 शत्रुओं को जीत लेता है, 10 शत्रु देशों को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, तो इसने ये पराक्रम दिखाया। कोई 4 शत्रु देशों को अपने अधीन कर लेता है, उसने भी पराक्रम दिखाया, लेकिन उसका पराक्रम कम है,
पहले वाले का पराक्रम अधिक है। इसी प्रकार से आंतरिक शत्रु है, आंतरिक शत्रुओं को जीत लेना, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष अभिमान आदि, इनको भरने ना देना किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसा भी आलंबन क्यों ना आ जाए, ये आंतरिक शत्रुओं को जीत लेना पराक्रम है। तो जिसके पास ये पराक्रम गुण होगा वो बाहर के शत्रुओं को जीत सकेगा, वो अंदर के शत्रुओं को जीत सकेगा, और चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो गौण लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं उन गौण लक्ष्यों को भी वो प्राप्त करेगा, उन गौण लक्ष्यों को बीच में नहीं छोड़ देगा। तो ये पराक्रम कैसे प्राप्त हो, ये पराक्रम गुण कैसे आए, उसका साधन मंत्र के अंदर बताया तेजः। तेज से ओज की प्राप्ति होती है, तेज से पराक्रम की प्राप्ति होती है। तेज क्या है? तेजस्विता। जिसके अंदर अग्नि जल रही है, अग्नि दहक रही है कि मुझे ये करना है, उसको वो चैन नहीं लेने दे रही, इतनी लगन लगी हुई है कि इस दोष को मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, इस गुण को धारण करना ही है, लगन लग गई उसको, अग्नि प्रज्वलित हो गई, वो पराक्रम से युक्त होगा, वो किसी कार्य को सिद्ध कर पाएगा। लक्ष्य के प्रति जिसकी एक लगन लगी हुई है वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और जिसकी लक्ष्य के प्रति कोई लगन नहीं है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, वो पराक्रम कहिए या लक्ष्य की प्राप्ति कहिए, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये अग्नि प्रज्वलित कैसे हो, लगन कैसे लगे, लक्ष्य के प्रति रुचि आकर्षण प्रेम कैसे उत्पन्न हो, तो उसका साधन बताया सहश्चय। सहश्चय का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में किया है, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि को सहन करना। जो जितना अधिक सहन करेगा वो उतना तेजस्वी होगा। और किसके लिए सहन करना? उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में जो कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, अच्छे कार्य को करने में, धर्म के कार्य को करने में, कर्तव्य को करने में जो कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, जो नियमों के पालन करने में जो कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है नियमों के पालन करने के लिए, ये तप है। इनको सहन करना, इन कष्टों को सहन करना, इससे तेजस्विता उत्पन्न होती है। सहन करना तप बताया गया है, द्वंद्व सहनम तप, और तप मनुस्मृति के श्लोक में बताया है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप से क्या है? आत्मा पवित्र होता है। आत्मा पवित्र तो है, स्वभाव से पवित्र है, लेकिन निमित्त के कारण, अविद्या के कारण उसके अंदर अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो तप है वो अविद्या को दूर कर देता है। योग दर्शन के दूसरे पाद के पहले सूत्र में जहाँ क्रिया योग की चर्चा है वहाँ तप की बात बताई गई है। जो अनादि काल से कर्म और क्लेश की वासनाओं से युक्त जो अशुद्धि है, अविद्या है, वो तप के बिना छिन भिन नहीं होती। जब वो सहन करता है, कष्टों को सहन करता है, ये तप है। तप करने से उसकी अविद्या दूर होती है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के बढ़ने से उसको लक्ष्य का महत्व समझ में आता है, लक्ष्य के प्रति आकर्षण रुचि प्रेम उत्पन्न होता है, और फिर जिसका लक्ष्य के प्रति लगन उत्पन्न हो गई है, प्रेम आकर्षण उत्पन्न हो गया है, वो पराक्रम कर देगा, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। फिर आगे बताया मंत्र में बलम च, सहन करने का साधन क्या है, सहन करने की सामग्री क्या है,
हर कोई तपस्या नहीं कर सकता। एक तो शारीरिक तपस्या है और एक मानसिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, जिसका शरीर ही रोगी है दुर्बल है वो सर्दी को सहन नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी सर्दी होती जुकाम हो जाएगा, नाक बहने लगेगा, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। गर्मी होती उसका सिर में दर्द आने लग जाएगा, सिर में चक्कर आने लग जाएंगे। तो सहन वही कर सकता है जिसके पास शारीरिक बल है। इसी प्रकार से निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि, इसको कौन सहन कर सकता है? जिसके पास बुद्धि रूपी बल है, बुद्धि की चतुराई है, विद्या है, विद्या रूपी बल है जिसके पास, वो मान अपमान को सहन करेगा। और जिसके पास विद्या नहीं है वो मान अपमान को हानि लाभ को सहन नहीं कर पाएगा। वो हानि को अपनी हानि मान लेगा कि ये मेरी हानि हो गई, मेरी आत्मा का विनाश हो गया, मेरी आत्मा घट गई। वो लाभ को अपना लाभ मानेगा कि मैं आत्मा बढ़ गया, उसको विद्या नहीं है, उसके पास बल नहीं है। ये तो सहन करने का सामर्थ्य उसके पास होता है जो शारीरिक और मानसिक बल कहिए, आत्मिक बल कहिए या विद्या का बल कहिए, उससे युक्त होता है। अब इसका साधन क्या है वो मंत्र के अंदर बताया, कैसे हम शारीरिक और आत्मिक या मानसिक बल को प्राप्त करें, उसका साधन मंत्र के अंदर आगे के पदों में बताया। वाक च इंद्रियम च श्रीश च धर्मश च, इन चार पदों के अंदर जो सत्य मधुर वाणी बोलता है और उसके अनुकूल आचरण करता है। इंद्रियम च, जो मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, जितेंद्रिय है, वो बल को प्राप्त करेगा। जो सत्य वाणी बोलेगा, सत्य भाषण करेगा, सत्य के अनुकूल व्यवहार करेगा, उसको बल की प्राप्ति होगी। श्रीश्च, जो धर्मयुक्त उद्योग से धन को प्राप्त करेगा, वो शारीरिक और मानसिक बल को प्राप्त करेगा। और जो अधर्मयुक्त उद्योग से धन को प्राप्त करेगा, वो जो धन है, वो जो उद्योग है, वो उसके शारीरिक और मानसिक बल को घटाने वाला होगा। जिसका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, जो जितेंद्रिय नहीं होगा, वो बल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो मिथ्या भाषण करेगा, असत्य व्यवहार करेगा, वो शारीरिक और आत्मिक बल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अंतिम साधन बताया धर्मश्च। अब जो बातें बच गई, धर्म के 10 लक्षण आपने सुने होंगे, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, कुछ धर्म के लक्षण तो इसमें आ ही गए, इंद्रियम च वाक च, और बाकी जो धर्म के लक्षण बचे उन धर्म के लक्षणों के अनुकूल व्यवहार करने से व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त होने पर वो तपस्या कर पाता है। जितना अधिक शारीरिक और आत्मिक बल होगा उतनी अधिक वो तपस्या करेगा, सहन करेगा। सहन करने से उसके अंदर तेजस्विता उत्पन्न होगी, प्रगल्भता उत्पन्न होगी। तेजस्विता का एक अर्थ ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भय रहितता किया है। जिसने भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करने का अभ्यास नहीं किया,
और उसको अचानक एक बार सर्दी सहन करनी पड़ जाए तो वो डर जाएगा, पता नहीं सर्दी लगने से मैं बीमार ना हो जाऊँ, भय उत्पन्न हो जाएगा। जिसने कभी भूख को कभी सहन किया ही नहीं, वो कभी भूखा रहेगा तो डर जाएगा, पता नहीं भूखे रहने से मेरी हानि ना हो जाए। लेकिन जिसने ऐसे अभ्यास किए हैं, जो इन अभ्यासों का अनुभवी है, भूख प्यास सर्दी गर्मी निंदा अपमान, वो डरेगा नहीं। कितनी निंदा अपमान होता रहे वो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। कितनी सर्दी गर्मी पड़ती रहे वो डरेगा नहीं। और ना डरने के कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लक्ष्य में बाधाएं आती है, निंदाएं स्तुतियां होती है, भूख प्यास भी सहन करनी पड़ती है। तो जो इनसे भय रहित होकर और लक्ष्य के प्रति लगन से युक्त होकर लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर ये विशेषताएं होनी आवश्यक है। कौन कौन सी? पराक्रम, पराक्रम होना चाहिए। ये जो हम मंत्र बोलते हैं, तेजो असी तेजो मई देही, वीर्यम असी वीर्यम मई देही, ओजो असी ओजो मई देही, ईश्वर भी पराक्रमी है। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है, आप बड़े पराक्रमी हैं, हमें भी पराक्रम दीजिए। ईश्वर का पराक्रम क्या है? सृष्टि को बनाना, ये ईश्वर का बड़ा पराक्रम है। ईश्वर ने सृष्टि को बनाने का काम पूरा कर दिया, बीच में छोड़ा नहीं है। और फिर जीवात्माओं के कर्मों का फल देना, दुष्टों की ताड़ना करना, श्रेष्ठों का सत्कार करना, ये भी ईश्वर का पराक्रम है। कोई दुष्टों की ताड़ना नहीं कर पाता, दुष्ट उसके काबू में नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास पराक्रम नहीं है। और जो दुष्टों को दंड देकर अपने अधीन कर लेता है, वो पराक्रमी है। तो पराक्रम गुण योगाभ्यासी व्यक्ति के पास और अन्य जो दूसरे व्यक्ति हैं जो लौकिक कार्य कर रहे हैं उनके पास भी होना चाहिए। और वो पराक्रम गुण प्राप्त करने का उपाय है सहन, कष्टों को सहन करना, धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो कष्ट होते हैं उनको सहन करना। और सहन करने का सामर्थ्य किसके पास होता है? जिसके पास शारीरिक और आत्मिक बल होता है। और शारीरिक और आत्मिक बल का साधन धर्म के 10 लक्षण। जो धर्म के 10 लक्षणों का अनुष्ठान करता है वो शारीरिक और आत्मिक रूप से बली होता है। तो इन बातों पर योगाभ्यासी व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए, तेजस्विता को बढ़ाते हुए, पराक्रम को बढ़ाते हुए बड़े बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करना चाहिए। यहीं तक।